भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जियों से बाज नहीं आया। भारत की एलओसी के सिंह सेक्टर पर फजाई हदूद की एक बार फिर खिलाफ वर्जी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय क्वाडकॉप्टर 600 मीटर पाकिस्तानी हदूद में घुसाया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। आईएसपीआर के मुताबिक 2003 में होने वाले मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। मकबूजा कश्मीर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। अकवाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भारत से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा। जंग ज़दा खित्तों में जंग बंदी की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर क्वेटा रवाना। कोरोना की सूरत हाल और अमन अमान से मुतालिक आला सतह के इजलास में इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवर्नर और वज़ीर आला बलोचिस्तान समेत आला हुकाम से मुलाकातें भी होंगी। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने एक बार फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू कर दिया। तमाम सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज के बॉयकॉट का ऐलान। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का हुकूमत से हिफाजती किट्स फराहम करने का मुतालबा। हुकूमत की जानिब से गैर मयारी मास्क फराहम किए गए, यंग डॉक्टर्स का इल्जाम। सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ओपीडीज बहाल। तमाम अस्पतालों की ओपीडीज में मरीजों का इलाज जारी। अस्पतालों में आने वाले शहरियों का स्क्रीनिंग टेस्ट भी किया जाने लगा। गरीब तबके को रिलीफ की फराहमी का चैलेंज। एहसास प्रोग्राम के तहत इमदाद की फराहमी का आगाज आज से होगा। 1,20,00,000 खानदानों को फीकस 12,000 रुपए मिलेंगे। रुकूम की अदायगी के लिए मुल्क भर में 17,000 पॉइंट्स बनेंगे, जहां से फंड मिलना शुरू होगा। 2 से 2.5 हफ्ते के अंदर तमाम मुस्तहकीन को इमदाद पहुंच जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, टाइगर फोर्स गली और मोहल्लों में गरीबों तक पहुंचेंगे। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 4,322 हो गई। पंजाब में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज रिपोर्ट, तादाद 2,171 तक पहुंच गई। सिंध 1,036, खैबर पख्तूनख्वा 560, गिलगित बल्तिस्तान में 213 केस सामने आए। बलूचिस्तान 212, इस्लामाबाद 102, आजाद कश्मीर में कोरोना के 28 मरीज। कोरोना से जहां बहक अफराद की तादाद 63 हो गई। मोलिक वायरस से 572 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमत के अहम इकदाम। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं, ड्रिप ने कोरोना इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत दे दी। ताहिर शमसी ने कहा, आज बहुत बड़ा दिन है, प्लाज्मा की कलेक्शन का काम बाकायदगी से शुरू हो जाएगा। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम। गिलगित बल्तिस्तान में आज और कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। सिंध और पंजाब में भी लॉकडाउन के बाईस शहरी घरों में महसूर। पुलिस और रेंजर्स की जानिब से जगह जगह नाकाबंदी। दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में इजाफा। IMF पाकिस्तान को आइंदा हफ्ते 1,40,00,000,000 डॉलर्स का इजाफी कर्जा जारी करेगा। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा ट्रेसर डिबिन ने कहा कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला के जखायर में इजाफे और कोरोना के पेश नज़र मईशत पर मनफी असरात से निमटने के लिए कर्जा दिया जा रहा है। हुकूमत का पाक अफगान सरहद 10 अप्रैल तक 3 रोज के लिए खोलने का ऐलान। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान हुकूमत की दरख्वास्त और इंसानी बुनियादों पर सरहद खोली जा रही है। सरहद खोलने का मकसद कार्गो सामान की तरसील है। पंजाब में आज से गंदम कटाई मुहिम का बाकायदा आगाज। वजीर आला पंजाब आज राजनपुर में गंदम कटाई मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। सरदार उस्मान बुजदार कहते हैं, किसानों के हकूक का तहफ्फुज़ पहले भी किया, अब भी करेंगे। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज फिर होगा। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फीन को 185 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज मिलने का ऐलान। 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिल अदायगी 3 माह तक मौखर करने की सिफारिश की जाएगी।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ऑस्ट्रेलवी वजीर खारजा मेरी स्पेन से टेलीफोनिक रबता, कोरोना की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल, दोनों वज़राए खारजा का कोरोना से निमटने के लिए मुशावरती सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। पाक बहरिया की जानब से कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाकों के साथ साथ मज़फ़ाती कस्बों और गोठों में राशन तकसीम किया गया। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 167.60 रुपए का हो गया। वफाकी पुलिस ने एक बार फिर वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में अपनी पोजीशन को बेहतर बना लिया। नई रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद 14 दर्जे बेहतरी के बाद 315वें नंबर पर आ गया। जराइम की शरह 32.88 से कम होकर 29.26 पॉइंट्स पर पहुंच गई। सऊदी अरब ने यमन में 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी का ऐलान कर दिया। सऊदी हुकाम के मुताबिक यमन में जंग बंदी का फैसला अक़वामे मुत्तहिदा के मुतालबे पर किया गया। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, अमेरिका में भी तबाही मच गई। एक दिन में 1925 अफराद मौत की नींद सो गए। अमवात की तादाद 15,000 के करीब पहुंच गई। बरतानिया में 938 अफराद जहां से हाथ धो बैठे, मजमूई तादाद 7,097 हो गई। स्पेन में 628, इटली में 542 और फ्रांस में 541 अफराद लुकमय अजल बन गए। अमरीकी स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बित इख्तिताम। अमरीका ने छोटे कारोबारी तबके को 250 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज दे दिया। डाओ जोन्स इंडेक्स में 780 पॉइंट्स का इजाफा। आलमी इदारे सेहत को अपनी तरजीहात दुरुस्त करना होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आलमी इदारे सेहत के फंड्स पर सोच विचार शुरू कर दी। मुस्तकबिल में ज्यादा वेंटिलेटर्स तैयार करने का ऐलान। न्यूयॉर्क में कर्फ्यू नाफिज करने पर भी गौर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सरबरा का अमरीकी सदर की तनकीद पर रद्द अमल, कहा कोरोना वायरस को सियासी तौर पर इस्तेमाल न किया जाए। अगर ज्यादा अमवात चाहते हैं तो बेशक कोरोना को सियासी तौर पर इस्तेमाल करें। आलमी सतह पर एकजहती का मुजाहरा करके कोरोना को शिकस्त दी जा सकती है। कोरोना से बचना है तो घरों में रहना है। शहरियों को घरों में बिठाने का मिशन लिए न्यूयॉर्क की सड़कों पर नौजवान मुख्तलिफ डरावने किरदार धार कर सड़कों पर आ गए। और आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमे मौसमियात ने कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और इस्लामाबाद में तेज हवाओं गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई कर दी।